नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट GS में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यंजन के बारे में कुछ ओवरव्यू देखा था। आज हम उससे आगे देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। हमारे जो 39 व्यंजन हमने बताए थे वो किस प्रकार से बताए हैं वो हमें आज समझेंगे। हमारी परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो हमारा आएगा आंसर 39। अगर पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से वर्णमाला में हिंदी की वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो उसका आंसर आएगा 33। हम लोग लिख लेते हैं ये कि एक जगह यहाँ लिख लेते हैं 33। ये किस किस हिसाब से है? परंपरागत रूप से, परंपरागत और ये कुल। अगर पूछा जाए कुल तो 39, 39 व्यंजन। अगर पूछा जाए परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं, तो होते हैं 33। अगर पूछा है कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो 39। अब देखते हैं आगे, हमारे जो व्यंजन हैं वो कितने प्रकार से बांटे गए हैं। एक बांटे गए हैं ये स्पर्श व्यंजन, जो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जो का चा टा ता पा का से लेकर मा तक के जो सारे जो व्यंजन हैं ये हमारे 5 वर्गों में बांटे गए हैं। का वर्ग में का खा गा घा गा, चा वर्ग में चा छा जा झा या, टा वर्ग में टा टा ठा डा ढा णा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, और पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सारे के सारे जो का से लेकर मा तक के जो व्यंजन हैं वो हमारे वर्गों में बांटे गए हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसीलिए हम इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये यहाँ से ये पूरा ये का से लेकर मा तक ये हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 वर्गों में बांटे गए हैं। अब आते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं, जब भी हम का से लेकर माँ तक के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, का से माँ तक के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी प्राणवायु है, जो हमारी हवा है, वो हमारे मुख गुहा के अंगों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जब भी हमारी प्राणवायु वो अंदर से मुख गुहा में कंठ से होते हुए मुख गुहा के जो अंग होते हैं जो सभी को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, वायुमंडल में निकलती है, इसलिए इसके उसे स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन भी नाम दिया गया है। तो ये का से लेकर मा तक के सारे व्यंजन कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अब ये देखते हैं कि ये पंचम अनुनासिक या नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। ये जो भी वर्ग है, का वर्ग का अंतिम अक्षर गा, चा वर्ग का अंतिम अक्षर ञा, टा वर्ग का अंतिम अक्षर ळा, ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना, और पा वर्ग का अंतिम अक्षर मा, ये जो अंतिम अक्षर हैं या ञा ळा ना मा, ङा ञा ळा ना मा, ये जो पांचों अक्षर हैं, ये पांचों जो व्यंजन हैं, पांचों व्यंजन ये जो हमारे कहलाते हैं पंचम अक्षर या अनुनासिक या नासिक के वर्ण, नासिक के व्यंजन। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यानी कि नासिका के पहले कहाँ से हवा निकलती है, मुंह से। यानी कि इन वर्णों का, इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करेंगे तो जो प्राणवायु वो हमारी नाक में जाने से पहले मुंह से मुंह में आएगी, उसके बाद फिर नाक में जाएगी। तो ये हमारे सारे के सारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं, और इसे हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जो इनको साउंड होता है वो नाक से प्रोड्यूस किया जाता है, नाक के सुर बोला जाता है। जैसे ङा ञम णम न म, ये हो गए हमारे
नासिक व्यंजन या पंचम अक्षर या फिर अनुनासिक व्यंजन, क्योंकि इनकी वायु कहाँ से निकलती है, नासिका के स्वर, उनको नाक के स्वर इनको बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे पंचम अक्षर। अब देखते हैं का वर्ग में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 का वर्ग में टोटल, का वर्ग में टोटल कितने अक्षर हो गए, 5। चा वर्ग में चा छा जा झा या 5, ऐसे ही टा वर्ग में 5 और ता वर्ग में 5 व्यंजन और पा वर्ग में 5 व्यंजन। तो टोटल हम लोग देखते हैं कि का से लेकर मा तक कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वर्ग हो गए हमारे। 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में, 5 वर्ग होते हैं जो कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 ही व्यंजन होते हैं, 5 ही व्यंजन होते हैं। ये सारे के सारे शुद्ध व्यंजन लिखे हैं, इसीलिए हमने इसमें हलंत लगाया है। देखिए ये हमारे शुद्ध व्यंजन, अगर हम इनको ये हलंत हटा दें तो ये फिर व्यंजन नहीं रह जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर व्यंजन टॉपिक चल रहा है, व्यंजन पढ़ाए तो यहाँ पर हमने हलंत लगा दिया है। ये शुद्ध व्यंजन है सारे सारे, इसमें कहीं भी, सॉरी इसमें लगना भूल गया, ये इसमें कहीं भी स्वर शामिल नहीं है, ये सारे के सारे व्यंजन हैं। लेकिन इसमें आप बोलोगे कि सर जब इसमें स्वर शामिल नहीं है तो आप उच्चारण कैसे कर रहे हो, तो हम उच्चारण कर रहे हैं इस आपको समझाने के लिए, लेकिन क्योंकि हम ऐसे बिना स्वर का कोई तो कोई उच्चारण कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हमने लिख तो दिया है कि ये शुद्ध व्यंजन, लेकिन जब समझाएंगे आपको तो हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी समझाने के लिए। तो यहाँ देखते हैं प्रत्येक वर्ग में कितने पाँच पाँच व्यंजन है, तो हमारे टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। वर्णमाला में क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या फिर वर्णमाला में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल कितने हो गए, 25। टोटल हमारे हो गए 25 या स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। उसके बाद देखते हैं ये अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान और उच्चारण जो स्वर और व्यंजन के बीच होता है, यानी कि जब स्वर और व्यंजन के जो बीच का उच्चारण स्थान होता है वहाँ से ये अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं, या रा ला वा, या वहाँ से बोले जाते हैं या रा ला वा, ये हो गए आपके अंतस्थ। और जब स्वर और व्यंजन के बीच में इनका उच्चारण स्थान होता है इसीलिए इनको अर्धस्वर भी नाम दिया जाता है, अर्धस्वर भी नाम दिया जाता है इसको, या रा ला वा अर्धस्वर भी नाम दिया जाता है, जिसमें अर्धस्वर होते कौन कौन से हैं, या और वा, ये दोनों या और वा ये अर्धस्वर होते हैं, रा और ला ये आपके अर्धस्वर नहीं होते, इनके अलग नाम होते जो कि हम अभी आगे देखते हैं। चलो यहीं बता ही देते हैं आपको, ये जो हमारा रा होता है, रा ये हमारा होता है लुंठित व्यंजन, क्योंकि हम जब रा बोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जीभ लुढ़कते हुए आगे जाती है, रा रा रा। आप बोलकर देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि हम हिंदी जो है वो हम विज्ञान, भाषा विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं, तो भाषा विज्ञान यानी कि विज्ञान कभी भी रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। तो आप यहीं पर आप ऐसे उसको रटिए मत कि ये, इसको हम यहाँ देखते हैं कि रा आपका होता है लुंठित व्यंजन और ला, इसको भी हम आगे देखेंगे। आप अभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, रा बोल के देखिए, रा ये हमारी जीभ जो है अंदर जाके फिर लुढ़क के बाहर आती है, रा रा, तो यानी कि ये हो गया हमारा लुंठित व्यंजन। अब देखते हैं ला, ये जो ला है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है, ला ये हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है, इसको पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं, प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप, जब हम ला बोलते हैं तो
तो जो हवा है, जो प्राण वायु है, वो हमारे दोनों गालों से यानी कि जीभ से, जीभ के दोनों किनारों से, यानी कि ये गाल हैं जो दोनों यहाँ से पार्श्व से मिलकर, पार्श्व से टकराकर बाहर आती है। जब भी हम ला बोलेंगे तो हम बोलते हैं, और महसूस करिए आप जैसे ही बोलते हैं ला, तो जो प्राण वायु जो हवा है वो हमारे ये मुंह के पार्श्व, ये जो होते हैं गाल, यहाँ से टकराकर बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम दिया गया पार्श्विक व्यंजन। और रात में हम आपको समझा ही चुके हैं कि लुंठित व्यंजन हमारी जीभ आगे लुढ़क कर बाहर आती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो हमने देख लिया अंतस्थ व्यंजन, या और वा, ये हमारे हो गए क्या अर्धस्वर। यहाँ लिख देते हैं या कौमा वा, ये हो गए हमारे अर्धस्वर, या और वा अर्धस्वर हो गए हमारे। तो इस प्रकार अंतस्थ व्यंजन हमने देख लिया या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। रा हमने देख लिया, इसका अन्य नाम क्या होता है लुंठित व्यंजन। ला देख लिया, इसका अन्य नाम पार्श्विक व्यंजन। अब आते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये ऊष्म क्या होता है, ऊष्म और संघर्षी, ऊष्म का अर्थ इसके शब्द से ही अर्थ समझते हैं। ऊष्म मतलब गर्म, ऊष्म मतलब गर्म, यानी कि जब भी हम ये सा शा और सा बोलते हैं, ये सीटी वाला सा पहले आएगा, उसके बाद षटकोण वाला सा, और ये सपेरा वाला सा अंतिम में आता है, लास्ट में आता है। ये आप क्रम को याद रखिए, पहले आएगा सीटी वाला सा, बहुत से लोग इसको भूल जाते हैं कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, तो आप इसको याद रखिए। पहले ये आता है रा वाला सा जिसको हम बोलते हैं, सॉरी ये रा वाला नहीं सीटी वाला सा, और इसको षटकोण वाला सा, और ये रा वाला सा सपेरा वाला सा, ये हमारा आता है सबसे अंत में। उसके बाद हा, जब हम इसको ऊष्म व्यंजन आखिरकार क्यों कहते हैं, जब इनके उच्चारण करते हैं शा सा सा शा शा सा, इसको उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो मुख गुहा से जो प्राण वायु निकलती है, हमारे जो मुँह से प्राण वायु निकलती है, जो हवा निकलती है वो गर्म हवा निकलती है। आप ऐसे आगे हाथ लगाकर देखिए, बोलिए सा शा शा हा। जब हम ये बोलते हैं चारों वर्ण, तो हमारे मुख से जो गर्म हवा निकलती है वो हमें इस हथेली पर महसूस होती है। अगर हम हथेली लगाकर बोलते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये ऊष्म व्यंजन है, यानी कि गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन क्यों नाम दिया गया इसका, क्योंकि जब ये सा शा शा हा, ये जब भी हम बोलते हैं तो ये प्राण वायु जो है ये बहुत ही संघर्ष करके बाहर निकलती है, इसलिए ये गर्म हो जाती है हवा संघर्ष के दौरान, ये गर्म हो जाती है इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और ये गर्म हवा निकलती है इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अब जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि परंपरागत रूप से 33 व्यंजन होते हैं, तो यहीं समझ लेते हैं कि 33 व्यंजन कहाँ तक होते हैं। का से लेकर मा तक हमारे 25 व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 25 4 29, और 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। यहाँ तक ये हमारे का से हा तक ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं, परंपरागत रूप से का से हा तक 33 व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं कि ये क्यों नहीं, चार व्यंजन ये क्यों छोड़ दिए गए, ये दो व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये चार व्यंजन ये इसलिए छोड़ दिए गए हैं क्योंकि ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये जो संयुक्त व्यंजन है ये किसी ना किसी अन्य व्यंजन से ही मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको परंपरागत रूप से जो व्यंजन माने गए उसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन पूरी वर्णमाला में, टोटल वर्णमाला में 39 व्यंजन में इन सबको काउंट कर लिया गया, 4 ये और 2 इन वर्णों को काउंट कर लिया गया है। अब हम देखते हैं कि हमने ये कोष्ठक यहाँ पर लगाए हैं, ये क्यों लगाए हैं, ये हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हम देखते हैं छा त्रा स्रा ज्या, इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है ज्या होता है, लेकिन हम लोग आम तौर पर सभी लोग इसको ग्या ही बोलते हैं, ग्या ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण हमने पिछली क्लास में भी बताया था ज्या होता है। अब देखते हैं कि इसका आखिरकार ज्या क्यों होता है, चलिए छा को समझते हैं।
आखिरकार ये छा कैसे बना, छा छत्री कैसे बना? यहाँ देखते हैं छा, ये हमारा बनता है का हलंत प्लस शा हलंत। हमने दोनों में हलंत लगाया क्यों? क्योंकि ये भी हलंत वाला है। अगर हम इसको हलंत हटा देते तो फिर हमारा आधा का और ये पूरा शा, तो ये हमारा छा छत्री पूरा स्वर सहित बन गया। अभी हम यहाँ देखते हैं व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन शुद्ध व्यंजन रूप ही देखेंगे। ये छा छत्री है, ये का और सा षटकोण से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार त्रा, त्रा को देखते हैं, ता आधा प्लस रा आधा, त्रा हमारा बनता है ता प्लस रा आधे से। अब देखते हैं स्रा, स्रा ये हमारा जो स्रा है वो बनता है सा सीटी वाला, ये आधा होता है सा सीटी वाला प्लस रा। अगर हम इसमें हलंत लगा रहे हैं तो ये रा में भी हलंत लगेगा। अगर हम इसमें रा ये हलंत हटा देते हैं स्रा में, तो हमारा ये आधा ही रहेगा, क्योंकि ये पहला वर्ण आधा है इसमें, और ये रा पूरा हो जाएगा। ऐसे बनता है हमारा स्रा शा प्लस रा से मिलकर। चलिए अब देखते हैं ज्या, ज्या हमारा बनता है आधा जा प्लस या, आधा जा प्लस या। तो हम देखते हैं आधा जा प्लस या से मिलकर बनता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज्या, जा और या का उच्चारण लेते हैं ज्या, इसलिए हम इसको ज्ञा ना बोल करके ज्या बोलते हैं। अगर हम इसको ज्ञा बोलते हैं तो ये तो फिर हमारा ये हो जाएगा गा प्लस या ज्ञा, ये तो हो गया गलत, जबकि इससे तो बनता ही नहीं ज्ञानी। अगर हम बोलेंगे तो इसका उच्चारण अगर हम ये करते हैं तो ये हम गलत उच्चारण करते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण ज्या ही होता है। चलिए हमारा हो गया छात्रा ज्ञास्रा, संयुक्त व्यंजन हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं देखते हैं इसको। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो जीभ है वो पहले उठकर मूर्धा से टकराती है, मूर्धा से टकराने के बाद बाहर झटके से आती है, यानी कि जो जैसे ये दो व्यंजन ला और ढा, इन दोनों व्यंजनों का उच्चारण अगर हम करेंगे तो जो हमारी जीभ है ये पहले ऊपर उठेगी, मूर्धा से टकराएगी, फिर झटके से बाहर आएगी। पहले ही हमारी जीभ ऊपर उठकर मूर्धा से टकराएगी, उसके बाद झटके से बाहर आती है, इसलिए उसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है दो गुण होते हैं, पहले मूर्धा से ऊपर उठना, मूर्धा से टच होना, स्पर्श करना, उसके बाद झटके से बाहर आना, दो इसमें गुण शामिल हो गए, इसलिए इसका नाम द्विगुण व्यंजन हो गया। और इसी को दूसरा नाम उच्छिप्त व्यंजन भी है, उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन दोनों एक ही होते हैं। इसका उच्चारण जो होता है वो उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ला, ला और ये ढा, इसको ला और ये ढा, ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आप क्या बोलते हैं उसको, इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज़्यादा इसमें संघर्ष करना पड़ता है बोलने के लिए, और इसमें कम करना पड़ता है, ये ला कम प्राणवायु इसमें लगती है और इसमें प्राणवायु ज़्यादा लगती है। अब देखते हैं कि इसमें हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान दिया कहाँ गया है, किस जगह पर इन दोनों को रखा गया है। तो ये जो हमारा ला है ये हमारा यहाँ पर रखा गया है हिंदी वर्णमाला में, इस डा डलिया वाले
इस ड डलिया वाले व्यंजन के बाद इसका स्थान आया है, और इस ड़ा जो है ढ़ा, ये ढ़ा ढक्कन के बाद यहाँ पर इसको रखा गया है। बस अंतर क्या है कि इसमें ड डलिया में इसमें बिंदी नहीं है नीचे, और इसमें बिंदी है, ढा ढक्कन वाले में बिंदी नहीं और यहाँ बिंदी है। ये हमारे वर्णमाला में इन दोनों उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन का, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन का स्थान यहाँ पर है वर्णमाला में। इन्हीं को हम जिस भी शब्द में, जिस भी शब्द में आपको इसका प्रयोग मिल जाए या फिर इसका प्रयोग मिल जाए, ये दोनों के दोनों शब्द कहाँ के भाषा के होंगे, वो आँख मूंद कर आप ये समझ जाइए कि दोनों के दोनों शब्द हिंदी भाषा के होंगे, तद्भव शब्द होंगे। ये हमारी एक तद्भव तत्सम की ट्रिक भी है। अगर किसी भी शब्द के बीच में आपको ये वाला ढा मिल जाए या फिर ये ढा मिल जाए, तो दोनों आप समझ जाइए तद्भव हैं, तद्भव शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं। और एक और चीज़ इसमें होती है कि किसी भी शब्द की शुरुआत, किसी भी वर्ण हिंदी भाषा में, पूरी भाषा में कोई भी शब्द हो हिंदी का, वो इन दोनों शब्दों से, इन दोनों व्यंजनों से शुरू नहीं हो सकता। कोई भी आप शब्द उठाकर देख लीजिए, इन दोनों वर्णों का प्रयोग शब्द के बीच में तो मिल सकता है, लेकिन कभी भी इनसे शुरुआत नहीं हो सकती है। जैसे हम देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं, अगर हम बोल दें सड़क, सड़क, तो इस शब्द, इस वर्ण का प्रयोग बीच में तो हो गया, लेकिन ये शुरुआत नहीं हो सकती है इस वर्ण से। यहाँ देखते हैं जैसे लुढ़क, लुढ़क, यहाँ भी हमने देखा कि सड़ा का प्रयोग बीच में हुआ है शब्द के, लेकिन इसका प्रयोग आगे नहीं हो सकता उच्चारण में। चलिए अब देखते हैं आगे। ये तो हमने समझ लिया कि व्यंजन किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से बांटे गए हैं और किसकी कितनी संख्या होती है। हमारे अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, चार। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए, चार। संयुक्त व्यंजन चार, द्विगुण व्यंजन दो। टोटल आप मिलाकर देखिए, टोटल हम आपको मिलाकर देखिए 39 ही व्यंजन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर हम परंपरागत रूप से देखते हैं तो केवल हाथ तक काउंट करिए और 33 व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आप देखते हैं आगे कुछ। अब इन व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण, हेडिंग डालिए व्यंजनों का वर्गीकरण घोष के आधार पर। पहली हेडिंग डालिए घोष के आधार पर। घोष के आधार पर, या घोष का अर्थ क्या होता है, घोष देखते हैं। घोष, घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष का अर्थ होता है गूंज या नांद, गूंज या नांद। घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण ये हम डालते हैं। घोष के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला सघोष व्यंजन, दूसरा अघोष व्यंजन। घोष के आधार पर दो व्यंजन होते हैं हमारे, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष, घोष का अर्थ होता है गूंज, घोष का अर्थ होता है गूंज। ये हमारा पहला है वर्गीकरण का आधार, घोष के आधार पर। घोष का अर्थ होता है गूंज, यानी कि जब भी हम वर्णों का, इसमें हम सघोष में और जो अघोष हैं इसमें हम स्वरों को भी देखेंगे, कौन से स्वर अघोष हैं, कौन से स्वर सघोष हैं, यानी कि हम वर्णों का वर्गीकरण देख रहे हैं, इसमें हमारे स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सघोष का मतलब होता है सा
और घोष, इसको दो शब्दों में तोड़ लीजिए। सा मतलब सहित, घोष मतलब गूंज, यानी कि गूंज के साथ जब भी हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, अगर उसका उच्चारण करने में यहाँ पर गले पे हाथ रखिए, अगर गूंज उत्पन्न हो रही, वाइब्रेट वाइब्रेशन हो रहा है गले पे यहाँ कंठ में, तो आप समझ जाइए कि वो सघोष के अंदर में आएंगे। और अगर यहाँ देखते हैं अघोष, यानी आ मीन्स नहीं और घोष मीन्स गूंज, यानी कि अगर उनके उच्चारण में गूंज नहीं हो रही, नांद उत्पन्न नहीं हो रही है, यहाँ वाइब्रेशन नहीं हो रहा है गले में, तो वो हमारे आएंगे अघोष के अंतर्गत। अब यहाँ समझते हैं कौन से सघोष हैं कौन से अघोष हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन में सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, पहले हम संख्या देख लेते हैं इनकी। सघोष व्यंजन हमारे होते हैं 31 यानी 31, और अघोष व्यंजन होते हैं 13। इनको याद करने की ट्रिक देखिए, सघोष आप एक याद कर लीजिए, सघोष चाहे तो सघोष याद कर लीजिए या फिर अघोष याद कर लीजिए, इसको हम ट्रिक यहीं बना लेते हैं। ये लिखा है ना अघोष, आ आ लिखा है, अगर हम इसमें आ में से ये डंडा हटा दें, कितना हुआ 31, 31 बन गए ना, तो ये 31 हमारे किस में जाएंगे, ये जस्ट इसके उल्टे में जाएंगे, 31 जाएंगे आपके सघोष में, और सघोष इसका उल्टा क्या होता है अघोष, या फिर ऐसे रहने दीजिए, आप एक ही याद कर लीजिए, ये सघोष, सघोष में कितने होते हैं 31, और सघोष का उल्टा अघोष, यानी कि 31 का अगर भी उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा 13, इसको भी उल्टा कर दें 13, और ये सघोष का उल्टा कर दें अघोष, आप एक याद करिए, सघोष का 31 होता है और अघोष जस्ट उसका उल्टा होता है, तो हम यहाँ भी नंबर भी उल्टे कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 13। अब देखते हैं कि हमारा अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अघोष व्यंजन होते हैं वर्ग का पहला और वर्ग का दूसरा, वर्ग के पहले और दूसरे, ये हमारे जाएंगे अघोष के अंतर में, ये हमारे होते हैं अघोष व्यंजन, वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन अघोष के अंतर्गत आते हैं, जबकि तीसरे चौथे पांचवें पहले वर्ण में, पहले वर्ग में जितने भी आएंगे व्यंजन स्पर्श व्यंजन, दूसरे वर्ग में जितने भी स्पर्श व्यंजन आएंगे वो सारे सारे अघोष व्यंजन, और तीसरे वर्ग में इसी प्रकार चौथे इसी प्रकार पांचवें वर्ग में जितने भी आएंगे ये सारे के सारे सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 5 × 2 = 10, 10 तो आपके ये हो गए, और यहाँ सघोष में हो गए 5 × 3 = 15, 15 ये हो गए, 1 और 2 ये हो गए सघोष में, 3, 4, 5 ये हमारे सघोष के अंतर में, तीसरा चौथा पांचवा सघोष में आएंगे और अघोष में आएंगे पहला और दूसरा। अब यहाँ देखते हैं कि अंतस्थ में, ऊष्म में, और अंतस्थ और ऊष्म हमारा ये बचा है 33 व्यंजन के अंतर्गत, इसमें कौन कौन से आएंगे आपके अघोष में और कौन से आएंगे सघोष में। तो अघोष में हमारे सा, सा और ये वाला सा, ये तीन व्यंजन अघोष में, सा सा सा, ये तीन व्यंजन और ऐड हो जाएंगे तो हमारे हो गए टोटल 13 अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में हो गए आपके 13, और अब बचे हैं सघोष में, देखते हैं सघोष में अंतस्थ वाले चारों और एक हमारा ये हा, अंतस्थ के चारों या रा ला वा और हा, ये हमारे आएंगे दोन किस में, सघोष में, सघोष में, और ये तीनों आएंगे किस में, अघोष में। सा 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 अघोष के अंतर्गत आएंगे, अंतस्थ के चारों और
उस व्यंजन का हा ये आपके सगोष में आएंगे। तो अब देखते हैं टोटल वहाँ कितना हुआ, चार अंतस्थ प्लस एक हा और सारे के सारे जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे हमारे आएंगे किसमें, सगोष में। तो स्वरों की संख्या कितनी इसमें जोड़ेंगे, 11। अयोग भाव को यहाँ नहीं लेंगे, इस प्रकार हम जोड़ते हैं, यहाँ पर हमारे कितने होते हैं 15, 4, 19, 19 और 1, 20, 20 और 11, 33, 31, 31। तो यहाँ हमारे अघोष हमने देख लिए 13 व्यंजन हो गए और 13 वर्ण हो गए और सगोष में हमने देख लिए 31 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आज देखा कि व्यंजनों का वर्गीकरण में घोष के आधार पर देखा कि सगोष और अघोष इतने प्रकार के होते हैं और इनकी संख्याएं इतनी होती हैं। चलिए अब आप अगले क्लास में देखेंगे हम लोग इसके आगे, और अभी तो हम इसी टॉपिक पर चलेंगे। हमको ये याद करने की जगह इसकी हम एक आपको ट्रिक बताएंगे इतनी अच्छी जो कि हमेशा के लिए आपको याद रहेगी, आपको इनको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम अगली क्लास में देखते हैं, जैसे भी क्लास लगी हो फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करना और चैनल को सपोर्ट करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें, कंटेंट देते रहें अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।